प्यारे बच्चों नमस्कार। और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि BA 6th SEM अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पेपर के संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक से बनाए थे, और उस वीडियो की सफलता को देखते हुए उसी टॉपिक से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, जो अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनको भी मैं आप लोगों के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा और उम्मीद है कि जैसा कि पूर्व का वीडियो सफल बनाया गया था आप लोगों के माध्यम से, वैसे ही आप इस वीडियो को भी सफल बनाने में मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं यह वीडियो जो आने वाली परीक्षा है, उसमें इस टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपके एग्जाम के दौरान। तो बिना समय गवाए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है और जो हमारी सीरीज में 51वां प्रश्न है, वह है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति, और ऑप्शन नंबर डी है साइंस। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि जो यूनेस्को का क्षेत्राधिकार है, उसमें शिक्षा, साइंस और संस्कृति तीनों ही आते हैं, जबकि जो जलवायु परिवर्तन है वो यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारे पास है, अटलांटिक चार्टर 1941 ने किन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने का संकल्प पारित किया। ऑप्शन नंबर ए है सभी सजातीय अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर बी है सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन नंबर सी है सभी भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन नंबर डी है सभी उपनिवेशों को। तो आप जानते हैं कि जो अटलांटिक चार्टर था, उसने आत्मनिर्णय का जो अधिकार प्रदान किया था, वो सभी सजातीय अल्पसंख्यकों को, सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी किया था। इसलिए जो इसका उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, सभी उपनिवेशों को। उसके पश्चात हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह है, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है सदस्य राष्ट्रों से, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी है रूस से, और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका से। तो आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, वह वित्तीय जो उसकी सहायता होती है, वो जो संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय सहायता देने वाले राष्ट्र हैं उनके माध्यम से होती है। तो काफी सरल क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बनता है। तो आपका जो इसका उत्तर बनता है वह है ऑप्शन नंबर ए, सदस्य राष्ट्रों से। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA से ऋण लेने के लिए किसी भी देश को निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होती हैं, उनमें से कौन कौन सी शर्तें संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह अत्यंत निर्धन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है वह पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में हो, ऑप्शन नंबर सी है उस देश में पर्याप्त वित्तीय एवं राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है वह भुगतान संतुलन की कठिन समस्या का सामना कर रहा हो। तो इसका जो उत्तर बनता है हमारे पास वह है ऑप्शन नंबर बी, वह पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में हो। उसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा वह सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है युद्ध की रोकथाम पर, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध के उन्मूलन पर, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्यवाद पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा जवाब बनता है वह हमारा, थोड़ा सा रुकिएगा, वह बनता है ऑप्शन नंबर, युद्ध की रोकथाम पर।
यानी कि आप जानते हैं कि युद्ध के उन्मूलन पर, जो साम्राज्यवाद पर और इनमें से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। युद्ध की रोकथाम जो है वही सामूहिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो उस पर यह बल देता है। उसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को कब स्वीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 1971, बी है दिसंबर 1972, सी है दिसंबर 1974 और डी है दिसंबर 1975। तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों की आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को स्वीकृत किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1974 हमारा इसका उत्तर बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, दो अंतर्राष्ट्रीय स्थायी समिति परामर्शदात्री और अनुदान किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए है महासभा, ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी है न्याय परिषद और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो जो ये हमारा प्रश्न है इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए महासभा। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की? ऑप्शन है आपके पास मई 1964, मई 1974, मई 1984 और मई 1994। तो जो आपका इसका जवाब बनता है वह है मई 1994, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया था, सॉरी। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो हमारे पास है वह है, नीला हेमलेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से, बी है पर्यावरण कार्यकर्ता से, सी है अग्निसेवा कार्यकर्ता से और ऑप्शन नंबर डी है सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी से। तो जो हमारा इसका उत्तर बनता है वह है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, ऑप्शन नंबर ए। तो जो इस प्रश्न का जवाब है वह है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न हमारा है वह है, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं उनके कालानुक्रम को चुनिए। तो इस प्रकार आपको जरूरी नहीं है कि इन्हीं महासचिव पदों से आए, तो आप एक कार्य करिएगा कि जो जितने भी अब तक के महासचिव हुए हैं उनको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि महासचिवों के कालक्रम को जोड़िए या कौन से महासचिव किस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। तो फिलहाल जो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ए है डैग हेमरसोल्ड, त्रिग्वेली यूथांट, कुर्ट वाल्डहिम, बी है त्रिग्वेली यूथांट, कुर्ट वाल्डहिम और डैग हेमरसोल्ड, सी है यूथांट, कुर्ट वाल्डहिम, डैग हेमरसोल्ड और त्रिग्वेली, और डी है त्रिग्वेली, डैग हेमरसोल्ड, यूथांट और कुर्ट वाल्डहिम। तो जो इसका जवाब बनता है वह है डी त्रिग्वेली, डैग हेमरसोल्ड, यूथांट और कुर्ट वाल्डहिम। तो आप इन्हीं के भरोसे न रहिएगा, इसमें जरूरी नहीं है इन्हीं नामों को आपसे पूछे, हो सकता है अन्य नामों को देख के कालक्रम को कभी कभार बढ़ते हुए क्रम में और कभी कभार घटते हुए क्रम में भी पूछ लेता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो पहला है महासभा, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल और चौथा है डी यूनेस्को। तो जो हमारा इसका जवाब बनता है, आप जानते हैं महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यास परिषद कहा जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये तीनों ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्य अंग है, इसलिए जो यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में नहीं है, उसके अंग में के भीतर ही आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर ही कार्य करता है पर उसके मुख्य अंग में नहीं आता है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो 61 का जो हमारा जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। उसके पश्चात जो अगला हमारे पास प्रश्न है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में संशोधन किया जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऑप्शन नंबर ए है महासभा की संपूर्ण सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है महासभा के 2/3 सदस्य एवं सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य मिलकर एक महाधिवेशन में 2/3 मत से। उसके पश्चात ऑप्शन नंबर डी है केवल महासभा के 1/4 सदस्यों द्वारा। तो जो इसका जवाब बनता है वह है ऑप्शन नंबर सी महासभा के 2/3 सदस्य एवं सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य मिलकर एक महाधिवेशन में 2/3 मत से। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न हमारे पास है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए है लंदन घोषणा 1941, ऑप्शन नंबर बी है मास्को घोषणा 1943 और ऑप्शन नंबर सी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 और ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा सम्मेलन 1945। तो आप जानते हैं कि लंदन घोषणा, मास्को घोषणा और जिनेवा सम्मेलन तीनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो गठन हुआ है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 है वह इसका जवाब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन इसका जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न आपका आपके एग्जाम में नहीं आएंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, इस प्रश्न को ले लेते हैं हम अगला। एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट में महासचिव ने कौन सा सुझाव नहीं दिया। तो आप लोग, थोड़ा हार्ड प्रश्न है किंतु पेपर में आ सकता है क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है कहीं ना कहीं हार्ड से हार्ड होते जा रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है शांति सुरक्षा आरक्षित कोष के गठन का सुझाव, ऑप्शन नंबर बी है एक छोटी बहुराष्ट्रीय सेना के गठन का सुझाव, ऑप्शन नंबर सी है शांति सुरक्षा सेनाओं के साथ सेना एवं नागरिकों के प्रशिक्षण पर बल, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थायी सैनिक मुख्यालय के गठन का सुझाव। तो जो आपका जवाब इसमें बनता है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थायी सैनिक मुख्यालय के गठन का सुझाव। इसके अतिरिक्त तीनों ही जो एजेंडा फॉर पीस थे उसके सुझाव थे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट में महासचिव ने कौन सा सुझाव नहीं दिया। लगभग उसी प्रकार के प्रश्न को फिर से दोहरा दिया है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में कुल मिलाकर कहने का अर्थ है जो ये एन एजेंडा फॉर पीस है इसको आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये वही प्रश्न है जो पिछले वर्षों में एग्जाम में आए हैं, उन्हीं को आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश की गई है। तो आप इससे अपने जो एग्जाम का क्वेश्चन आ सकते हैं उसका तजुर्बा लगा सकते हैं आप। तो अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्यक्ष, सी है बी एन राव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर ए जे भाभा तो यूनेस्को अध्यक्ष। तो आप जानते हैं कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो महासभा की अध्यक्ष थी, नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्यक्ष रह चुके हैं, बी एन राव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर ए जे भाभा जो है वो यूनेस्को के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका जवाब बनेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है वीटो से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। वीटो से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसलिए अपने प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा। वीटो का संबंध ऑप्शन नंबर ए है वीटो का संबंध महासभा से है, ऑप्शन नंबर बी है वीटो शब्द की घोषणा पत्र में कहीं भी व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी केवल नकारात्मक वीटो को वीटो माना जाता है और ऑप्शन नंबर डी है घोषणा पत्र के अनुच्छेद 27 में
वीटो का भाव निहित है जो किसी भी प्रमुख मामले पर पांचों स्थायी देशों की सहमति पर बल देता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, वीटो का संबंध महासभा से है यह गलत है। तो इसलिए क्योंकि वीटो का संबंध जो है वो सुरक्षा परिषद से होता है, आप जानते हैं, और उसमें जो पांच स्थायी राष्ट्र हैं उससे संबंधित वह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है केवल दलों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है विश्व के समस्त देशों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है यूएनओ के सभी सदस्यों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। तो आप जानते हैं कि जो इसका जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन नंबर सी है फिर से सामूहिक सुरक्षा रखा है, ऑप्शन नंबर ए सामूहिक रक्षा रखा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। तो आप जानते हैं जो लीग ऑफ नेशंस था उसका जो मुख्य सिद्धांत था या मौलिक सिद्धांत था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति था। इसलिए हमारा जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति। उसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था। आपके ऑप्शन है नेम, नाटो, यूएन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो आप जानते हैं नाटो ने शांति के लिए एकता का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार जो ये प्रश्न है उसका उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर बी नाटो। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और असमानता को कम करने और प्रतिरोधकता निर्माण करने में सहायता करना है। ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये प्रश्न है इसका जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, यह संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष UNICEF से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है यह 190 देशों में कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी है यह बच्चों का जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनकी क्षमताओं को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कार्य करता है। उसके पश्चात ऑप्शन नंबर सी है UNICEF बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकास सहायता प्रदान करता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि यह तीनों ही कार्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष UNICEF है वह इन सभी कार्यों को करता है। इसलिए जो हमारा जवाब बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र सेवक स्वयं सेवक UNV के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है UNV बान जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है UNV कार्यक्रम विश्वव्यापी स्वयं सेवा के माध्यम से शांति और विकास में योगदान करता है, ऑप्शन नंबर सी है UNV को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रशासित किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो ये UNV है यह अभी उपरोक्त सभी कार्यों को करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFDA से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार एजेंसी है, और ऑप्शन नंबर बी है इस संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका
जवाब बनता है, इसमें भी दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की तीन प्रमुख शिकायतों में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा परिषद अब समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी है इसके निर्णयों में केवल पश्चिमी मूल्य और हित ही परिलक्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर होते हैं और इनमें कुछ निश्चित शक्तियों का ही प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें एक समान प्रतिनिधित्व का अभाव है और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो इसमें भी तीनों बातें सत्य हैं और उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बनता है। उसके पश्चात आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर मेरा मेरे पढ़ते पढ़ते आप साथ में सुन नहीं पाते हैं तो वहां पर वीडियो को पॉज करके अवश्य उनको एक बार आप अपने साथ का साथ पढ़ लीजिए, ताकि अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो तो वो साथ का साथ आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर आपको इन प्रश्नों के जवाबों को याद करना है, बार बार ध्यान में रखना है, तो वीडियो को 2-3 बार अवश्य देख लीजिए। एक बार आज देख लिया, एक बार उसके पश्चात 3-4 दिन बाद देख लिया और एक बार 7-8 दिन बाद देख लिया। तो ऐसे करके मेरा विश्वास है कि 50 प्रश्नों में से कम 30-35 प्रश्न आपको वैसे ही 2-3 बार देखने में याद हो जाएंगे और वो आपको जुबानी याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो है सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित कुछ मानदंड में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है नया सदस्य एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र के बजट में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है ऐसा राष्ट्र जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। तो और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सदस्यों के लिए प्रस्तावित कुछ, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी दिया हुआ है, हाँ, तो इसका जो जवाब बनता है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका जवाब बनता है। थोड़ा सा इसको मैं भी क्लियर कर लूंगा क्योंकि इसमें सी और डी में मुझे भी जरा डाउटफुल लग रहा है। तो फिलहाल इसको मैं अपने अगले वीडियो में, जो कि मैं अन्य टॉपिक से संबंधित लाऊंगा, उस पर आपको इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वैसे डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब बनता है और ये दोनों में से सी और डी में से कुछ ना डाउट्स हो सकते हैं, तो उसको क्लियर करके आपको जो अगला जब सत्र होगा उसमें इसको प्रारंभ में क्लियर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न आपके पास है वह है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं ए कॉफी अन्नान, बी एंटोनियो गुटरेस, सी अमर्त्य सेन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं कि जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो इस समय जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो महासभा के अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद में इस समय कौन कौन से स्थायी राष्ट्र हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। ऑप्शन आपके पास है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा देश है, भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग पांचवा भाग निवास करता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और डी उपरोक्त सभी। तो स्थायी सदस्यता के लिए वैसे तीनों कथन आपको सही लग रहे होंगे, पर जो इसमें भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग पांचवा भाग निवास करता है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता के लिए जो भारत के संदर्भ में ये वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी
तो हमारा जो ये प्रश्न है इसका जो जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वो है हमारे पास, G4 नामक समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ऑप्शन है आपके ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं ये तीनों ही राष्ट्र G4 में सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, कॉफी क्लब में शामिल देशों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आप लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं तो कौन नहीं है और कौन है इसका विशेष ध्यान रखा करें, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चे अपने क्वेश्चंस को गलत कर आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए जरूर इस चीज को, क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास आप एग्जाम के दौरान करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ। तो जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और याल्टा। तो जो अमेरिका है वो काफी क्लब देशों में सम्मिलित नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। तो 81 का जो उत्तर बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम UN हैबिटेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यह बेहतर नागरिक भविष्य की दिशा में कार्य करने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है, इसका मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत मानव बस्तियों के विकास को बढ़ावा देना एवं सभी के लिए पर्याप्त पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सचिवालय का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो ये प्रश्न है इसके संदर्भ में भी उपरोक्त तीनों ही कथन सत्य हैं, तो जो जवाब हमारा बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसके पश्चात आज आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो थोड़ा हार्ड कर दी गई है, क्योंकि जो सरल प्रश्न थे वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिए थे, और कहीं ना कहीं जो हार्ड क्वेश्चन है अगर हार्ड पेपर आता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर जो ये आज के प्रश्न है कहीं ना कहीं हार्ड है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि हार्ड प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। UNCTAD संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1964 में स्थापित स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। बी, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है एवं इसके कार्यालय न्यूयॉर्क और अदीस अबाबा में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन है, UNCTAD संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भाग है, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो जो इसका जवाब बनता है उपरोक्त सभी। तो आप कहीं बच्चे देख रहे होंगे कि जब भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो उपरोक्त सभी उसका उत्तर हो रहा है, तो यह आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि आप जो जितने भी संस्थाएं हैं इनके जो जो कार्य हैं या इनके जो जो सिद्धांत हैं वो आपको याद हो जाए, इसलिए उपरोक्त सभी जवाब है। ऐसा हो सकता है कि जहां आप एग्जाम में जब जाएं तो वहां इस प्रकार की व्यवस्था आपको ना मिले, तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस प्रकार का वीडियो आप लोग एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद पश्चात एग्जाम में ऐसी गलती करने की संभावना बनती है, तो इस चीज से आप जरूर बच के रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख विषय निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की मान्यता, उनके मूल अधिकार तथा कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी है राज्य तथा शासन का उत्तराधिकार। ऑप्शन नंबर सी है विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार तथा राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो ये प्रश्न है इसका भी जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। उसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न और आज का 33वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कब से प्रभावी हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1998 से, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1999 से, ऑप्शन नंबर सी है 2000 से, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2002 से। तो आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वह वर्ष 2002 से प्रभावी हुआ था, इसलिए इसका जो जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2002। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय व्यक्तियों पर चार प्रकार के अपराधों के लिए अभियोग चलाता है, उनमें शामिल है। तो पहला है नरसंहार, दूसरा है युद्ध अपराध, और तीसरा है मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध। तो आप जानते हैं कि ये तीनों ही अपराधों पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अभियोग चलाता है। तो इस प्रकार जो इसका भी जो जवाब हमारे पास बना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया है भारत, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया है अमेरिका, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जवाब है ए और बी दोनों ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य, भारत और अमेरिका में से कोई भी इसमें सदस्य नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन बनता है हमारे पास सी ए और बी दोनों, या ये प्रश्न कहीं ना कहीं गलती में है, इनमें से कोई नहीं और ए और बी ये दोनों ही जवाब कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे हैं। तो बहरहाल जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका जवाब बनता है, जब ये आपस में दोनों टकरा ही रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे ऊपर साधारण भाषा में लिखा होता है कि सही या सही के निकट जवाब को क्लिक करिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सही या सही के जो निकट हो सकता है वह आपका जवाब होना चाहिए, इसी प्रश्न पर नहीं। कोई प्रश्न अगर वैसा आता है, अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो जो सही के निकट हो सकता है उसको आप उत्तर में सम्मिलित करके आए। ऐसा ये भी एग्जाम का एक पैटर्न है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। उसके पश्चात हमारे पास अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2001 में शताब्दी विकास लक्ष्यों की संकल्पना को अपनाया गया था, जिसके तहत वर्ष 2015 तक निम्न वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है गरीबी और भूख का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरणीय सतत विकास, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही लक्ष्य जो है इस ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं वर्ष 2015 तक वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त जो करना था उसमें ये तीनों ही लक्ष्य सम्मिलित थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम अपने आप में एक अलग संधि है, बी है लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का भी एक अभिन्न अंग है, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि 111 अनुच्छेद में है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने आप ही कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र का अपने आप ही एक पक्ष बन जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए बी और डी है ये अपने आप में सही कथन है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि एक अनुच्छेद 111 में यह जो कथन है यह गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यूरोप के लिए आर्थिक आयोग 1947, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग 1958, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार संधि वर्ष 2005, और ऑप्शन नंबर डी है उपनिवेशवाद उन्मूलन घोषणा पत्र वर्ष 1970। तो जो ऊपर के तीन युग्म है वो सही है, और उपनिवेशवाद उन्मूलन घोषणा पत्र वर्ष 1970 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात जो आपका अगला प्रश्न है, ये सूची एक सूची दो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं सुमेलित करने के लिए, और आपको ऑप्शंस भी अपने आप में दिए होते हैं,
तो ऐसे प्रश्न भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ है वो है वैश्विक सदस्यता एक सामान्य उद्देश्य संगठन, इसका यूरोपीय यूनियन। बी क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य संगठन यूएनओ। सी क्षेत्रीय सदस्यता और समिति उद्देश्य संगठन आईएलओ। और डी वैश्विक सदस्यता और समिति उद्देश्य संगठन एनटीओ। तो जो इसका ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको सम्मिलित करना होता है, और इसमें से अगर एक दो भी आपको आते हैं तो आपका जो ये ऑप्शंस हैं ये सही हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो फिलहाल जो आप जानते हैं कि जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें ए का दूसरा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो उसके पश्चात जो अगला हमारा प्रश्न है वह है, निम्न कथन पर विचार कीजिए सत्य कथन पहचाने। तो ऑप्शन नंबर, तो ये सभी प्रकार हैं प्रश्न के, ऑप्शनल क्वेश्चन में किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपको यह भी ध्यान रखना है, और ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी कोई शेड्यूल तो है नहीं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप प्रिपेयर रहें कहीं ना कहीं। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए सत्य कथन पहचाने। ऑप्शन नंबर ए है, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा गया है। और ऑप्शन नंबर बी है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। और ऑप्शन नंबर सी है, सुरक्षा परिषद में 10 स्थायी देश हैं। तो नीचे कूट भी दिए हुए हैं कि 1, 2, 3 गलत है, केवल एक गलत है, 1 और 2 सत्य कथन पहचान है, मतलब 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, केवल एक, केवल तीन। तो आप जानते हैं कि ये दोनों मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल के पिछले वीडियो में मैं इनको बता चुका हूँ कि जो महासभा है उसको लघु संसद, और जो सुरक्षा परिषद है उसको दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी राष्ट्र हैं। तो इस प्रकार जो ये ऑप्शन नंबर जो ये है, ये आपका सी गलत है, इसलिए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है, ये आपका जवाब बनता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन पहचाने। तो वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। ऑप्शन नंबर टू है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होता है। तो किसी संस्था को लेकर इस प्रकार के कथन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। आपके पास ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2, और ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो जो आपका इसका जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, यानी कि दोनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। उसके पश्चात अगला प्रश्न, अब सिर्फ 5-6 प्रश्न रह चुके हैं, तो अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन पहचाने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी कथन है, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। और दूसरा कथन है, इसकी नियुक्ति अनिश्चित काल के लिए होती है। तो ऑप्शन है आपके पास केवल 1, ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 और 2, और डी है ना तो 1 और ना 2। तो आप जानते हैं कि सचिवालय का प्रमुख तो महासचिव ही होता है, किंतु जो इसकी नियुक्ति है वो अनिश्चित काल के लिए नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सत्य कथन है। तो इसका जो उत्तर बना ऑप्शन नंबर ए केवल 1। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन पहचाने। ऑप्शन नंबर ए है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में की गई थी। और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी है, न्यायालय की सरकारी भाषा केवल फ्रेंच है। तो अब कूट आपको दिए हुए हैं केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3, और ऑप्शन नंबर डी है 2 और 3। तो इसमें ध्यान देना ऊपर कि इसमें सत्य कथन न पूछकर असत्य कथन पूछा हुआ है, और आप जानते हैं कि जो न्यायाधीशों की संख्या है 15 ही होती है, सरकारी भाषा इसकी जो है वो केवल फ्रेंच ही होती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर ए है
वह इसका गलत होता है। तो कहीं ना कहीं जो केवल एक, यह कुल मिलाकर कहने का अर्थ है असत्य और सत्य का आप ध्यान अवश्य रख लेना कि क्या पूछा हुआ है प्रश्न में। तो सही गलत में भी अगर आता है तो ध्यान रख लेना कि क्या पूछा हुआ है प्रश्न में। इसलिए मैं आपको बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्रश्न पत्र को एक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ें। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न है हमारा वह है सुमेलित कीजिए त्रिगवेली, और मतलब सूची एक दी हुई है त्रिगवेली, डेग हेमरसोल्ड, यूथान, कुर्द वालदिहिम, और सूची दूसरी दी है ऑस्ट्रिया, म्यांमार, स्वीडन, नॉर्वे, यानी कि उनके कंट्री के नाम दिए हुए हैं, और नीचे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं A1, 2, 3, 4। कुल मिलाकर सुमेलित करने के लिए कहा गया है, और सुमेलित करने के पश्चात आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, यानी कि जो ए है उसका चौथा होगा, त्रिगवेली नॉर्वे के थे, जो है डैग हैमरसोल्ड है वो स्वीडन के थे, जो यूथान थे वो म्यांमार के हैं, और कुल्द वाल्दिहिम जो है वो ऑस्ट्रिया के थे। तो आपको जितने भी महासचिव भारत हुए हैं अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के वो किस राष्ट्र के थे यह भी ध्यान में होना चाहिए, ताकि अगर वहां से प्रश्न आता है तो आप उसे सही कर सकें। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ आईएसओ का मुख्यालय रोम में है। दूसरा है आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। तीसरा है आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। और क्वेश्चन को भी यहाँ फिर ध्यान से पढ़ लेना, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना आप एग्जाम के दौरान भी। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, केवल 3, 2 और 3, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन बनता है वह है दूसरा और तीसरा सही कथन है, और जो पहला कथन है वो अपने आप में गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही कथन बनता है। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाटो के स्थान पर नई संस्था का नाम नए NACC है। यूएसए और यूके वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना के समय उसके सदस्य बने। तो फिर यहाँ वही उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो जो बी है इसमें ऑप्शन नंबर वह सही है, यानी कि यूएसए और यूके जो 1949 में नाटो की स्थापना के समय से ही उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, और नाटो के स्थान पर नई संस्था का नाम NACC नहीं है, ये गलत कथन है। तो इस प्रकार केवल सेकंड आपका सही उत्तर बनता है, और इसको सुमेलित कीजने के लिए फिर आया है UNICEF, UNCDF, UNV और UNEP। तो इसके क्या क्या कार्य हैं, उसको उद्देश्य या कार्य को दर्शाया गया है। तो बच्चों का जीवन बचाना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, विश्व के 47 सार्वधिक अल्प विकसित देशों में निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों हेतु तो सार्वजनिक एवं निजी वित्त का सुनियोजन, शांति और विकास में योगदान, और इसके अतिरिक्त प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही लगता है, यानी कि सही है जो UNICEF है उसका कार्य बच्चों का जीवन बचाना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। उसके अतिरिक्त जो UNCDF है उसका कार्य विश्व के 47 सार्वधिक अल्पविकसित देशों में निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों हेतु सार्वजनिक एवं निजी वित्त का सुनियोजन करना है। और जो ये UNV है उसका कार्य शांति और विकास में योगदान, और UNEP प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। तो एग्जाम से पूर्व अगर कोई वीडियो बनाना संभव हुआ तो उसमें मैं अवश्य एग्जाम से पूर्व इस प्रकार का, क्योंकि तब तक प्रिपरेशन आप लोग कर चुके होंगे, तो किसी वीडियो के माध्यम से अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो फिर कैसे आप उसमें किसी उत्तर को अंकित करके आए, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो उस पर एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, पर अभी से उसको नहीं बनाया जाएगा। वह एग्जाम से लगभग जब एग्जाम की डेट निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो चुकी है पर संभावनाएं हैं कि एग्जाम की डेट क्या पता बढ़ जाए, तो
अगर ऐसा होता है तो एग्जाम से पूर्व जो है उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा कि आपको कैसे इसमें, जैसे अगर चार ऑप्शन हैं आपको क्या छांटना है, कैसे आप उसमें गैसिंग कर सकते हैं और अपने सही अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल हम अब लेते हैं आज के वीडियो में अपना अंतिम प्रश्न। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, ये सत्य कथन पहचानिए। तो सही कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना। तो ऑप्शन दिए हैं केवल ए, ऑप्शन नंबर बी है एक कर दो दोनों, और ऑप्शन नंबर सी है केवल दो, और ऑप्शन नंबर डी है न तो एक और न तो दो। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पोलैंड था वही 51वां संस्थापक सदस्य था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उस समय उसकी, ये मैंने आपको कल के उसमें भी बताया था, इम्पोर्टेंट है, तो जो सदस्य संख्या थी वो 51 थी। तो इस प्रकार 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिट से बन सकते हैं मैंने आपके सम्मुख रखा है, और विश्वास कीजिए कि इससे 10, अगर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 5-7 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं कहीं ना कहीं हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको जो ये लेक्चर सीरीज ऑप्शनल क्वेश्चन से संबंधित बनाई है कहीं ना कहीं अच्छी लग रही होगी, और अगर सच में अच्छी लग रही है तो जो अगला वीडियो मैं किस यूनिट पर बनाऊं ये आपके जो कमेंट्स होंगे इस वीडियो पर उसके आधार पर ही तय किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप किस यूनिट पर अब, और हो सकता है क्योंकि जो 6th टर्म के स्टूडेंट हैं उनके पास ह्यूमन राइट जेंडर का पेपर भी कहीं ना कहीं पॉल साइंस में होता है, और उस पेपर की पुस्तकें यानी कि एक ही पुस्तक में सारा मैटर अवेलेबल ना होने के कारण वहाँ भी काफ़ी अधिक दिक्कत छात्रों को होती है। तो अगर आप वो उस पेपर के भी किसी यूनिट के ऑप्शनल क्वेश्चंस चाहते हैं कि बनाया जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने साथियों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य संस्था या के माध्यम से भी इस प्रकार की कोई कोशिश की जा रही होगी ताकि छात्रों को मदद मिल सके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में संभव नहीं है कि बच्चे अपनी लाइब्रेरी से किताबें ले सकें और उनको अध्ययन कर सकें, और हम जानते हैं कि जो पहाड़ों के छात्र छात्राएं हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वह स्वयं से किताबों को खरीद सके, या फिर अगर कोई छात्र चाहता भी है तो उसे पुस्तकें मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पाती। तो उन्हीं के लिए इस वीडियो का निर्माण किया हुआ है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे छात्र छात्राओं को अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, इस उम्मीद के साथ कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर अवश्य करेंगे। आप लोगों का आज के वाणी को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।